हाँ भाई 60% ऑफ ए ऐसे ही लिख लेते हैं, इज 30% ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज 40% ऑफ सी, ये बस, एंड सी इज एक्स परसेंट ऑफ ए, ये बस, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यही है सर। तो बेटे जो दिया है ना उसको एक लाइन में लिखते चले जाओ। पहला हमारे पास क्या है, सब बच्चे देखो ज्यादा ध्यान से, 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, बी को हटा के क्या रख सकते हैं, बी को हटा के रख सकते हैं 40% ऑफ सी, यस और नो। यस सर। और बेटे सी को हटा के क्या रख सकते हैं, 6% ऑफ ए। यस, बस वो रखते चले जाओ, जो भी कह रहा है उतना ही करेंगे बस, एक्स परसेंट ऑफ ए। अब आप सब बच्चे क्या देखो, फर्स्ट वाला देखो और लास्ट वाला देखो, ठीक है, क्योंकि सारे इक्वल लगाए मैंने, तो इस वाले को देखो और इस वाले को देखो। अगर इस वाले को देखोगे तो सबसे पहले तो बेटे ए से ए कटेगा, यस और नो। हाँ भाई, हमारे पास जो बेटे बचा है ना, ये फर्स्ट वाला बचा है और ये लास्ट वाला बचा है, ठीक है, ये देखो, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 100 से 100 भी कैंसिल कर दो एक को, और 30 से बेटे 260 कर दो, और 2 से 20 कर दो, है ना, और 2 से 20 आएगा, 20 से नीचे 5 आएगा, आ जाएगा। Yes, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से, तो 5 इंटू 100 तो 500 इधर आएगा, तो इधर कौन बचा, एक्स, ये आंसर है। आ गया समझ में, जी गुड।